देवभूमि उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन द्वारा कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल व एसएसपी अजय सिंह ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में गंगा सभा के पदाधिकारियों, लोकल व्यापारियों और सिडकुल के उद्यमियों ने कांवड़ मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने अपनी समस्याओं को भी प्रशासन के सामने रखा। जिला अधिकारी ने सभा को भरोसा दिलाया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। कांवड़ मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिडकुल के पदाधिकारी हो, और जो भी हमारे इसमें एसपीओ वगैरह सभी लोग शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया, और कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं, उससे पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जेंस को लेकर हो या पास को लेकर हो, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के व्यापारीगण हैं, जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर कांवड़ को देख रहे हैं, उनके सुझाव बड़े पॉजिटिवली लिए गए हैं और उसमें बहुत हद तक हमने उन सुझावों को पूरा भी कर दिया है। जो पॉसिबल सुझाव थे उन पर भी विचार करके उसको आगे अभी इस वीक में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।